हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस था, पैंक्रियाज में बहुत सारे स्टोन्स थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस या पैंक्रियाज की और बीमारियों के लिए अपने इलाज के लिए पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, इंडिया के कोनों कोनों से आते हैं और बाहर के मुल्कों से भी, बाहर के देशों से भी आते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो हमारे पेशेंट हैं उनका नाम रिफात है और ये बांग्लादेश से आए हैं। इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ बंगाली में ही बात करते हैं, तो जो दोस्तों आज का वीडियो होगा वो बंगाली में होगा। तो इनको जो प्रॉब्लम थी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की, उसकी वजह से इनके पैंक्रियाज में बहुत सारे स्टोन्स बन गए थे, इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती थी, इनका वेट लॉस हो रहा था, इनको बीच बीच में पेट में दर्द होता था और ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए थे। सिर्फ अपने कंट्री में ही नहीं पर इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे, हैदराबाद में और कोई और काफी सारी जगहों पर जाके ये बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके थे। एक अच्छा इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि दवाइयों से ट्रीट करना है, कोई कह रहा था एंडोस्कोपी से ट्रीट करना है, किसी ने ओपन सर्जरी बता दिया था, पर ये अपनी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर नई दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आए थे अपना इलाज कराने के लिए और आज खुशी खुशी अपने देश वापस जा रहे हैं। तो रिफात, एक बार अपना पेट आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, पेशेंट्स जिनको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है उनके लिए। आप इसको नीचे कर लीजिए। आप रिफात के भाई है, बॉस है, बॉस है। तो आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इनकी क्या प्रॉब्लम थी आप भी बताएं, आप भी बताएं कैसे ये बीमारी शुरुआत हुई, क्या क्या तकलीफ होती थी, कैसे कैसे आप इलाज के लिए आप डिफरेंट जगहों पर गए, कैसे आपको हमारे बारे में पता चला और आप जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपका कैसा एक्सपीरियंस था वो सारा। আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি। 2014 সালে আমার এই ব্যথাটা শুরু হয়, তখন আমি ডাক্তার বলে যে এটা প্যানক্রিয়াসের সমস্যা, এটা আসলে মানে ওষুধের মাধ্যমেই মানে সাময়িক বন্ধ হবে কিন্তু আসলে এটা পুরোপুরি নির্মূল হবে না। তো আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন বড় বড় হসপিটালও দেখাই 2014-24 পর্যন্ত। তো ওনারা বলছে যে এখানে হবে না, লাস্ট আপনার পাথর হয়েছে, তো সেহেতু আপনি ইন্ডিয়াতে যেতে পারেন। তো আমি যেতে আসলাম। এআইজি তখন আমাকে বলছিল যে আপনার পাথরটা ক্র্যাশ করে গুঁড়া করে বের করা হবে। তো আমি আবার তখন বাংলাদেশে আবার চলে গেছিলাম, যাই আবার স্যারের ইউটিউবে ভিডিও দেখছি, দেখে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি এখানে আসছি। আশা আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি, আমি খুব খুশি খুশি বাসায় যাচ্ছি। আপনি কিছু বলতে চাইতে? আমি যখন প্রথম এই প্যানক্রিয়াটাইটিস ধরা পড়ে, স্টোন ধরা পড়ে, তখন আমি ওনাকে বললাম যে আপনি অন্য ডাক্তারের খোঁজ করেন। তো সেই ডাক্তারের খোঁজের জন্য আমি আবার বললাম যে আপনি অনলাইনে ট্রাই করেন, গুগলে দেখেন, ওরা তো পাথর যেহেতু গুঁড়া করে বের করতে চাইছে, তো যদি এটা রিমুভ করে বের করা যায়, যদি এর মাধ্যমে ফুটা করে বের করা যায় তাহলে সেটা সবচাইতে বেটার হবে। তো যারা ডাক্তার খুঁজিয়ে সবচাইতে মানে ভালো ডাক্তার কে ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে, টপ 10 ডাক্তার, আমরা সেই গুগলে সার্চ দিয়ে আপনার নামটা আমরা সেখান থেকে পেয়ে যাই। তারপরে আমরা বললাম যে কন্ট্যাক্ট করো ডাক্তারের সাথে, কন্ট্যাক্ট করো, তারপরে উনি কন্ট্যাক্ট করে তারপরে বেশ ঠিক আছে সেখানেই তাইলে আমরা যাবো, যেহেতু ওখানে ভালো ট্রিটমেন্ট একটা হবে বা ইয়ে হবে। তো এর জন্যই এখানে ওনাকে আবার বলে দেওয়ার পরে উনি কন্ট্যাক্ট করে আমরা আসছি আর কি, আপনার এখানে ভালো বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য। এবং আপনার সুনাম অনেক জায়গায়, অনেক ভিডিওতে আমরা দেখছি, দেখে আমরা আসছি। दोस्तों, इन्होंने अपनी तकलीफ के बारे में बताया, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। मुझे तो बंगाली नहीं आती, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो होपफुली अच्छा ही बोला होगा। तो मैं आप लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी ये बीमारी है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की या पैंक्रियास की और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज में कोई सिस्ट बन गई है, पैंक्रियाज में कोई कैंसर बन गया है, पैंक्रियाज में कोई रसोली वाली गांठ हो गई है या पैंक्रियाज में कोई भी और प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो हम दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में काम करते हैं और ये पैंक्रियाज की बीमारियों के लिए बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर है।
यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स पूरे इंडिया से, दिल्ली से, आसपास के एरिया से, दूसरे देशों से अपनी इस बीमारी का इलाज करने के लिए आते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी क्या समस्या है, उसके हिसाब से हम उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। हम अपने मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में जिनमें क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की तकलीफ होती है, पैंक्रियाज में स्टोन्स होते हैं, उसमें जो हम ऑपरेशन करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, मिनिमली इनवेसिव टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, जिसका एडवांटेज ये होता है कि जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। 3 से 4 रोज के बाद पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई खास पेट में दर्द नहीं होता, खाना पीना जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, कोई गंदे निशान, भद्दे निशान पेट पे नहीं आते हैं, तो रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये समस्या है तो आपके स्क्रीन पर लिखे गए जो नंबर है उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो ये वीडियोस हैं अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स, अपने रिलेटिव्स के पास भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे वीडियोस आते हैं जिसके अंदर हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट ये जो वीडियोस हैं ये नॉलेज के लिए होते हैं और उन लोगों के लिए जिनको ये समस्या है। अगर ये प्रॉब्लम जिन लोगों जो लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो किसी इंसान की हेल्प हो सकती है। थैंक यू।